जो भी चाहिए बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। टीवी सीरियल्स में वैम्प को हीरो को अपने जाल में फंसाना होता है तो वैम्प्स क्या करती है? शराब पिला देती है या फिर कोई भी चीज जिससे नशा। आइए हमें कुछ भी करके ना अभी केतली के घर पे पहुंचना होगा। मल्हार जी ठीक हालत में नहीं है। बहुत वक्त हुआ अपने प्यार को दिल में छुपाए हुए, आज मुझे अपने प्यार का इजहार कर लेने दो। केतकी आंटी के पास जाकर मैं भी दाना खाऊंगा। वो कबूतरों को दाना खिलाती है ना तो मैं भी खाऊंगा। केतकी कब कबूतरों को दाना डालती है? दोपहर को। इस चिट में जरूर कोई क्लू मिल सकता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? बिल्डिंग नंबर 6 MG रोड। हो सकता है कि ये एड्रेस पे जाके केतकी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। रुपया यहाँ देखो पीछे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बतूल कोई नहीं यहाँ पे। आई गलती आंटी आई। एक सेकंड। वो तो बहुत छोटा धमाका था, असली धमाका तो कोंकण में नारियली पूर्णिमा के दौरान होगा। ऐसा धमाका जिसे पूरा देश देखेगा। नारियल बम। अब आप सबको मारना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब नारियल में बॉम्ब है और नारियल तो सबके पास है। ये जरूर उन आतंकवादियों का सरदार होगा। आंटी बारी आई, बाबा के साथ आई है। वो देखो कल्याणी आके खोलो। कल्याणी आके खोलो। वाओ कल्याणी, मैंने सुना तुमने शाख से अकेले लड़ाई की। चलो ना कल्याणी अब उठ भी जाओ। अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी। संपदा एक काम करो, ये इयरिंग एट जाके ना केतकी को दे दो वापस, और फिर हो सकता है कि हमें केतकी का सच पता चल जाए या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। ये दरवाजा बाहर से क्यों लॉक किया? बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं? मल्हार अब कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? कल्याणी तो वहां से निकल चुकी होगी। तुम्हारा सच जानना तो बहुत आसान था कल्याणी, और मुझे तो पहले ही से ही शक था। ये सब बेहोश होने का नाटक तुमने मेरी और सार्थक की शादी को रोकने के लिए किया था, है ना? हाँ, ये नाटक मैंने तुम्हारी और काका की शादी रोकने के लिए ही किया था। आपके सामने किसी का सच लाना है मुझे, यही सच्चाई मैं आपके सामने लाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब तमाशा किया। सच यही है कि केतकी ने पापा को गायब किया है। और इतना ही नहीं मल्हार जी, ये पूरे टाइम लास्ट की प्लानिंग भी इसी ने वामन मामा के साथ मिलके की है। रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो। आई 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 कोशिश करो, आई कोशिश करो। अरे भैया जी, अरे भैया जी। रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो। अरे भैया जी रस्सी पकड़े, खींचो रस्सी पकड़ो, अरे खींचो। रस्सी कसके पकड़िए मैम। आई आई होगा तुमसे। आई बाहर आ जाओ। कल्याणी चुप। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, रिपीट। आई रिपीट। आई 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 बैठ जाओ। आई नहीं। आई सब ठीक है, परेशान मत हो। मैं ना कुछ नहीं हुआ तुम्हें। सर मशीन तो बहुत एडवांस्ड है, बस यूँ समझ लीजिए कि किसी मोबाइल फोन की तरह है, जिससे ऐसे कॉल्स किए जा सकते हैं जिसका किसी भी नेटवर्क कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। और अगर ये बीप करे, इसका मतलब ये है कि ऐसा ही दूसरा कोई और डिवाइस भी एक्टिव है जो इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये कनेक्ट का बटन दबाने से हम उस डिवाइस से बातें कर सकते हैं। तो प्रतीक, इसका मतलब ये है कि नेटवर्क कंपनी के पास अगर कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है तो कॉल ट्रेस हो ही नहीं सकती, लेकिन इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस को तो कनेक्ट किया जा सकता है ना? सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो पक्का है कि वो दूसरा डिवाइस इस वक्त एक्टिव है, बस उसकी लोकेशन मिल जाए। सर कोशिश करो ट्रेस करने की। कुछ हुआ प्रतीक? सर बस कुछ मिनट और। सर खुल गया मैडम, जल्दी बंद करो। डिवाइस चेक हो गया है सर, कुछ देर में हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। मैडम ये ऑन हो गया गलती से। डिवाइस कनेक्ट हो गया और ये आवाजें उस दूसरे डिवाइस से ही आ रही है। आपने सही कहा, मैंने ही अपने भाई को मारा था। अब जैसे मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनी। रिमझिम और नक्श की कुंडलियां मिल गई। पंडित जी ने कहा है और धाने के लिए कल शाम 7 बजे एक बढ़िया सा मुहूर्त निकला है। फिर से इस लड़की के बहकावे में आ गए तुम। इस लड़की का असली चेहरा पहचानो तुम। गलत रास्ता दिखा रही है तुम्हें। अभी कोई कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना है, चलो घर हमारे साथ। हम सेकंड राउंड तक पहुंच गए अबू। हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं एक मकसद के तहत कर रहे हैं। हम अपना नाम वापस नहीं ले सकते अबू। इंसान अपना प्यार भूलता नहीं है, बस अंदर दबा के रखता है। वो कभी खत्म नहीं होता, और जब जब वो इंसान उसके सामने आता है तब तब वो प्यार बाहर उमड़ कर आता है। पूरब जी के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है जिसका तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? रोक सको तो रोक लो। प्रीता जी से शादी तो सिर्फ मेरी होगी। तू मुझसे मेरे प्यार को नहीं छीन सकता। मेरे प्यार से सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी होगी। ये दूल्हे का कमरा है और यहाँ तो दूल्हा भी नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ? यहाँ पे चल क्या रहा है? हाउस, ऑनर, हॉस्पिटल, ये तीनों चीजें तो मुझसे जुड़ी। और ये हैंडराइटिंग पंखुड़ी की है। पावर ऑफ अटॉर्नी, उसे कैसे इग्नोर करो? सोच मत पंखुड़ी, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। फिलहाल जो तेरे हाथ में है तू उसके बारे में सोच। कल शाम 7 बजे से शान अस्मिता की प्रेम कहानी लेगी एक अनदेखा मोड़। क्यों अपने अलग हुए मम्मी पापा को फिर से मिलाएगी उनकी बेटी कृषि। नफरत फिर से लेगी प्यार का मोड़, जब कृषि घोलेगी इसमें शरारत के रंग।